स्पर्म काउंट के बारे में अगर हम बात करें कि स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ट्रिकी है, कितना नॉर्मल होना चाहिए। बिकॉज जब आप एक स्पर्म काउंट की रिपोर्ट देखते हो उसमें दो तीन पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है कि टोटल स्पर्म काउंट, मतलब कुल कितने स्पर्म्स हैं। दूसरा होता है कितने मोटाइल हैं, मतलब कितने उसमें चल रहे हैं। चलने का भी ग्रेडेशन होता है, कितने प्रोग्रेसिव मोटाइल हैं, रैपिड प्रोग्रेसिव मतलब कितने तेज़ी से भाग रहे हैं, कितने स्लो भाग रहे हैं और कितने नहीं भाग रहे हैं और कितने बिल्कुल मरे हुए हैं। उसके बाद एक कॉलम आता है मॉर्फोलॉजी का, मॉर्फोलॉजी मतलब उनकी क्वालिटी किस तरह की, लुक किस तरह की है। ये जो मॉर्फोलॉजी वाला क्राइटेरिया, ये आप जितने छोटे लैब्स में कराओगे वो कोई भी रिपोर्ट नहीं करते उनकी लुक कैसी है। तो बहुत बार क्या होता है, पेशेंट के 110 मिलियन काउंट है लेकिन पेशेंट की प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, या वो 110 मिलियन काउंट देके खुश है कि मेरे तो 110 मिलियन काउंट है, लेकिन जो प्रोग्रेसिव रैपिड प्रोग्रेसिव मोटाइल जिसको हम बोलते हैं वो आपका 32% से ऊपर होना चाहिए, वो 32% से ऊपर नहीं है। बेशक आपके स्पर्म काउंट्स, अगर नॉर्मल आप स्पर्म काउंट्स की बात करोगे कितनी होनी चाहिए, तो लगभग 40 मिलियन 50 मिलियन पहले जो WHO था वो बोलता था 40-50 मिलियन तक नॉर्मल है। अब जो टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट वो 20 मिलियन हो गया है कि 20 मिलियन भी नॉर्मल है, बिकॉज लाइफ में इतने स्ट्रेस हो चुके हैं, पॉल्यूशन आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। लेकिन उस 20 मिलियन के साथ ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें से कितने चल रहे हैं, कितने तेज़ी से भाग रहे हैं। बिकॉज जो तेज़ी से भागते हैं, जिनको आपकी रिपोर्ट में जब आप देखोगे लिखा रहेगा रैपिड प्रोग्रेसिव मोटाइल, वही बच्चा पैदा कर सकते हैं, बिकॉज वही एग के अंदर जा सकते हैं और उसको एम्ब्रियो में कल्मिनेट कर सकते हैं। तो वो रैपिड प्रोग्रेसिव मोटाइल बहुत ज़रूरी है। ये पेशेंट्स नहीं समझते, वो रिपोर्ट लेके आएंगे बोलेंगे ये रिपोर्ट तो नॉर्मल है, मेरा 110 मिलियन काउंट है, लेकिन 110 मिलियन काउंट में उनका लिखा रहेगा रैपिड प्रोग्रेसिव 10% है और जो मॉर्फोलॉजी है वो सिर्फ 3% नॉर्मल है। 3% नॉर्मल मॉर्फोलॉजी में लिखेगा सारा एनॉमली है। मींस जो एक स्पर्म होता है उसका एक हेड होता है, आप बिल्कुल उसको सुन के चौंकोगे, बट जैसे एक मनुष्य का हेड नेक होता है वैसे एक स्पर्म का भी हेड नेक टेल बॉडी सब पार्ट्स होते हैं उसके। तो जब ये काउंट्स बनते हैं तो उसके मॉर्फोलॉजी पे कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और मॉर्फोलॉजी पे प्रॉपर लोग कमेंट नहीं कर पाते बिकॉज लोग बहुत कम हैं जो इसको देख के समझ सकें कि हाँ इसमें ये जो स्पर्म दिख रहा है हमें, अगर मान लीजिए 100 मिलियन काउंट है तो 100 मिलियन काउंट में जो हमें स्पर्म्स दिख रहे हैं उसमें से नॉर्मल कितने फॉर्म है, मीन्स किसके हेड में प्रॉब्लम नहीं है टेल में। आप ये सोचो कि जो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी का क्राइटेरिया है वो 4% पे है, कि 4% अगर नॉर्मल काउंट्स हैं तो आपके स्पर्म काउंट्स नॉर्मल हैं। ये ऐसा इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर आपने एक स्पर्म काउंट कराया है तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप एक डॉक्टर के साथ ये रिपोर्ट शेयर करें, बिकॉज आपके लिए वो नॉर्मल काउंट्स हो सकता है पर एक डॉक्टर उसमें कुछ गलतियाँ ढूंढ लेंगे जिसमें कि आपको हो सकता है इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आ रही हो। तो और खुद से स्पर्म काउंट देख के कभी भी डरना नहीं चाहिए, जैसे जीरो स्पर्म में भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हो बिकॉज उसमें आप नॉर्मल तो नहीं हो सकते हो पर एक सीटीजा के द्वारा प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, आपको एक डॉक्टर का हेल्प सीख करना चाहिए जो आपको बता पाएंगे कि किस स्पर्म काउंट में आपकी नॉर्मली प्रेगनेंसी आ सकती है और कब असिस्टेड कंसेप्शन मींस आर्टिफिशियल टेक्निक्स के द्वारा आप खुद से अपने जीन से मतलब अपने स्पर्म से ही प्रेग्नेंट हो सकते हो।